दोस्तों, भारत के जेवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा फिनलैंड में होने वाले पावन यूर्मी गेम्स में शिरकत करेंगे। इस गेम्स में वो एंडरसन पीटर्स, जोहानस बेटर और जूलियन वेबर जैसे जेवलिन थ्रोअर के साथ कम्पीट करेंगे। ये पहली बार होगा जब ये चारों एथलीट्स एक कम्पिटिशन में एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे और ये गेम्स को 14 जून 2022 में आयोजित किया जाएगा। पावन यूर्मी गेम्स में जेवलिन थ्रो का रिकॉर्ड जर्मनी के जोहानस बेटर के नाम है। जोहानस बेटर ने 2020 में 91.49 मीटर का थ्रो किया था। तो पावन यूर्मी गेम्स एक एनुअल ट्रैक एंड फील्ड मीट है जो पावन यूर्मी स्टेडियम में खेला जाता है, जो फिनलैंड के तुर्कू सिटी में है। इस कंपटीशन को पहली बार 1957 में खेला गया था। पावन यूर्मी स्टेडियम एक मल्टी यूज स्टेडियम है जो फुटबॉल और एथलेटिक्स मीट के लिए यूज किया जाता है। इस स्टेडियम को 1890 में बनाया गया था और 1997 में इसका रिनोवेशन किया गया था। जेवलिन थ्रो कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट कभी भारत में हुआ नहीं है, लेकिन अब नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने के बाद उम्मीद है कि इस कंपटीशन का लाइव टेलीकास्ट भारत में दिखाया जाएगा। अगर लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाता है तो किस चैनल में दिखाया जाएगा, यह आपको मैं इस चैनल के जरिए सूचित कर दूंगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।